गोविंदा शॉर्ट है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी मैथ की वीडियो है। आज हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है, दशमलव भिन्न है। इसमें आज आपको लेक्चर नंबर 5 बताया जा रहा है। इससे पहले हम 4 लेक्चर बना चुके हैं, एक एक चीज आपको करा रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है या और भी कोई वीडियो देखनी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, यूट्यूब पे भूपेंद्र शॉर्ट हैंड लिखना है। जैसे आप भूपेंद्र शॉर्ट हैंड लिखेंगे सभी वीडियो ओपन हो जाएगी, प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही हर वीडियो खुल जाएगी। मैथ की अलग मिलेगी, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग, जीके की अलग, रीजनिंग के सब चीज में अलग अलग मिलेगी, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। यानी हर वीडियो हर सब्जेक्ट की एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई, पर उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस लेक्चर नंबर 5 में आखिर इसमें ऐसा क्या है। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 47। दशमलव 6 का होल पावर माइनस दशमलव 5 का होल पावर अपॉन दशमलव 6 का होल स्क्वायर प्लस दशमलव 5 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सवाल हमने ये लिख दिया है। अब इसमें सूत्र लग रहा है, जाहिर सी बात है, पहले इसमें सूत्र देखो। सूत्र a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, नीचे a की घात 2 प्लस b की घात। a की घात 4 माइनस b की घात 4 का सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2, इसके नीचे हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, a की पावर 4 माइनस वो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये आपका बचेगा। a क्या है इसमें पहली संख्या, b क्या है इसमें दूसरी वाली संख्या, यानी दशमलव 6 की पावर और दशमलव 5 की पावर। दशमलव 6 का मतलब होता है दशमलव 36, दशमलव 5 का मतलब होता है दशमलव 25, घटा दिया आ गया दशमलव 11, इसका आ गया आंसर, ठीक। क्या करा हमने, इसे a की 4 माना, इसे b की 4, इसे a की 2, b की 2, a की 4 b की 4 का सूत्र खोल दिया, ये होता है और इसका ये a स्क्वायर b स्क्वायर जैसे ही तो होता है, जैसे मान लो a स्क्वायर b स्क्वायर का सूत्र a प्लस b a माइनस b होता है, तो 4 का ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है, 2.89 की घात 3 प्लस 2.11 की घात 3 प्लस 15 गुणा 2.89 गुणा 2.11। इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक एक सवाल मैं आपको करा रहा हूं। कोई भी सवाल आपको लगता है कि वो नहीं हुआ या तुम्हें लगता है कोई करवाना है, तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, फोन करके बताएं। हर वीडियो के लास्ट में हमारा फोन नंबर मिला हुआ है। एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, कहीं जाने जरूरत नहीं, एक एक सवाल लिख रहा हूं और उसको कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट बना चुके हैं, सेकंड बना चुके हैं, अब ये चैप्टर में थर्ड जारी। इसे कैसे करेंगे, ये भी सूत्र पे लग रहा है। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, ए मान ले करो, ए को बी मान ले करो, जैसे ए प्लस बी की घात 3 का सूत्र है, क्या सूत्र होता है, ए की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस, ये सूत्र होता है। a कहां है, ये रहा, b कहां है, ये रहा, a कहां है, ये रहा, b कहां है, ये रहा। अब यहां 3 बच रहा है और यहां a प्लस, इसे गौर करना भाई, यहां तो 3 बच रहा है, यहां a प्लस, तो यहां 15 बच रहा है। इस 15 को तुम चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 गुणा 5, अब ये वाला 3 ये वाला 3 हो गया, ठीक है नहीं, और a प्लस b ये दोनों हो गए, तो ये डायरेक्ट सूत्र बन गया किसका, a प्लस b का 3 का, तो ये हो गया 2.89 प्लस 2.11 की घात 3, इसका मतलब होता है 5, 5 की घात 3, इसका मतलब हो गया 125, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है,
क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट आ गया 49। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत आसान है। 49 क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दे रखा है 1.9, बी बराबर दे रखा है 2.1। तो कहा जा रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर होने किसका मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्ट इसमें आंसर रख दोगे तो आर हो जाएगा लेकिन फंस जाओगे। तुम्हें करना यह है, ये सूत्र बन रहा है, अगर याद आओ किसका बन रहा है, a प्लस बी की घात 2। a कितना है 1.9, b कितना है 2.1, जोड़ दीजिएगा, इसे जोड़ेंगे 9 10 का 0 2 3 4। एक बार फिर देख लें, 9 10 2 3 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा अंश। एक एक सवाल हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 50वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें था 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 प्लस 0.69 गुणा 0.69 और गुणा 0.69 बटे 0.41 गुणा 0.41 माइनस 0.41 गुणा 0.69 प्लस 0.69 और 0.69। इस सवाल को करना है, बहुत आसान है, कैसा करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है कि अगर एक संख्या लगातार 3 बार आ रही है तो समझ जाना वो एक ही घात 3 है, यानी एक क्यूब है वो, और बीच में गुणा हो। यहां भी एक संख्या लगातार 3 बार आ रही है, बीच में गुणा है, तो समझ जाओ ये एक ही घात 3 है, और बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो एक ही घात 3। तो अगर उनके बीच में शॉर्टकट, इसका मैंने ये बताया था आपको शॉर्टकट कि एक ही घात 3 और बी की घात 3, कि अगर बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, और एक ही घात 3 माइनस बी की घात 3 के बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। ये आपको मैंने बताया रखा पहले, पर संख्या उसमें सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक ही 3 ये रहा, बी की 3 ये रहा, बीच में क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। तो क्या करेंगे, 0.41 प्लस 0.69 उठाओ और दोनों को जोड़ दो, 9 10 6 4 10 11, दो स्थान बाद ये हो गया आंसर, ठीक। लास्ट सवाल है इसका, कैसा करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 0.02 0.02 और 0.02, नीचे था 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04, ठीक है। ये सवाल हमें करना है, और देखो देखने में तो बढ़िया लग रहा है, आसान सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ करना है। अब तुम कहोगे एक ही 3 तो यहां भी बनना है, बी की 3 यहां, लेकिन यो वाला फॉर्मूला इससे नहीं लग सकता क्योंकि यहां संख्या अलग है यहां संख्या। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सब कुछ दे रखा है। देखो अगर तुम चाहो इस 0.2 को तुम ऐसे लिख सकते हो 0.1 गुणा 2, ऐसे इसे लिख सकते हो 0.1 गुणा 2, ऐसे इसे लिख सकते हो 0.1 गुणा 2, इसे लिख सकते हो 0.02 गुणा 2, इसे लिख सकते हो 0.02 गुणा 2, इसे लिख सकते हो 0.02 गुणा 2, लिख सकते हैं। तो हमने क्या काम करा, ये तो ऐसी कैसी लिख दिया हमने भाई 0.1 0.1 0.02 0.02 0.02, और देखो यहां पर गुणा हो रही, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे 8, ऐसी 2 की 2 से करेंगे 4, 4 की 8 से करेंगे 8, इसमें से 8 ले लीजिएगा कॉमन, 8 जब कॉमन ले लेगा अंदर क्या रहेगा 0.1 0.1 0.1, यहां क्या रहेगा 0.02 0.02 और 0.02। अब ऊपर भी ये लाइन हुई नीचे, तो इस पूरी लाइन से ये लाइन कट गई, तो क्या बचा यहाँ 1/8 बचे, और 8 से इसे भाग दे लो 0.125 आ जाएगा, 10 लाख जो 8 का 8 8 दोनों 16 और 8 दोनों 4, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं,
और ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रुप में भेजें ताकि नए नए स्टूडेंट से जुड़े, और कोई नया विद्यार्थी है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या कोई सवाल अगर आपको लगता है करवाना है तो हमें वीडियो के लास्ट में फोन नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।